नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं, जो वीडियो लेकर आया हूं, ये बीएचयू जो एग्जाम हुई है 11 सितंबर को बीएचयू की जो एग्जाम हुई है उसका जो पेपर आया था, उस पेपर का सॉल्यूशन मैं यहाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसको बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र हैं, इन छात्रों ने इस बीएचयू के पेपर को फोड़ दिया है। उन्होंने इस परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पूरे प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट ने करने के प्रयास किए हैं, इसलिए मैं उन छात्रों को अच्छे अपने रिजल्ट के लिए, अच्छे स्कोर के लिए अग्रिम शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। ये जो बीएचयू की परीक्षा है, बीएचयू की परीक्षा में आप जानते हैं कि ये जो परीक्षा है इसके अंदर 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन ईच स्टूडेंट को करना रहता है। इसमें मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन होते हैं, और 50 जो क्वेश्चन है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। अलग अलग आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया है उसके हिसाब से इसमें सब्जेक्ट होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आएंगे, बायोलॉजी जिन्होंने लिया उनके लिए बायोलॉजी के आएंगे, मैथ्स जिन्होंने लिया उनके लिए मैथ्स के आएंगे। तो ये हमने देखा 100 क्वेश्चन है बीएचयू की ये जो परीक्षा है, इसमें मेंटल एबिलिटी फर्स्ट सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन कंपलसरी, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन कंपलसरी, और ये सब्जेक्ट है हमारा एग्रीकल्चर, इससे आते हैं 50 क्वेश्चन। तो ये जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है इसी का पेपर सॉल्यूशन लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जो अभी 2020 में जो बीएचयू की एग्जाम हुई है 11 सितंबर को इसके लिए है। तो हम देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के दानों में प्रोटीन का प्रतिशत, ये पहले भी पूछा गया है, गेहूं के दानों में प्रोटीन का प्रतिशत 9 से 13 होता है। दूसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित फसलों में से कौन मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाता है। हम जानते हैं कि जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, तो यहां पर राजमा दलहनी फसल है। बाकी जो फसलें हैं गन्ना मक्का और चावल, ये अनाज वाली फसलें हैं, इसलिए यहां पर आंसर क्या आएगा, राजमा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलें, तो सहसंबंध गुणांक की रेंज क्या होती है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसकी रेंज -1 to +1, -1 से +1 तक इसकी रेंज होती है। इसके बाद आगे प्रश्न की बात करें, पूसा नन्ना जो है पपीते की किस्म है, पपीते की छोटे कद की नाटे कद की जो किस्म है वो है पूसा नन्ना। ये प्रश्न भी पहले परीक्षा में आए दोनों। इसके बाद बात करें, कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सनई और ढेचा। यहाँ ढेचा दिया है तो ढेचा जो है हरी खाद के लिए बिल्कुल उपयुक्त फसल मानी जाती है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आए, तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी होता है, तो सल्फर जो है ये तेल की मात्रा को 4 से 9% तक बढ़ा देता है, इसलिए यहां पर हमारा उत्तर आएगा सल्फर। सल्फर तेल की मात्रा में वृद्धि करता है। आगे बढ़ते हैं, क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसका इस्तेमाल होगा, तो जिप्सम क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये माने जाने वाला रासायनिक पदार्थ है। ये जो पदार्थ है जिप्सम को हम बोलते हैं कि जो क्षारीय मृदा है इसके लिए जिप्सम बहुत ही प्रभावशाली है, और जो अम्लीय मृदा है, अम्लीय मृदाओं के लिए चूना जो है ये सबसे प्रभावशाली मृदा सुधारक माना जाता है। इसके बाद आगे बात करें, तो अगला प्रश्न है, जीन फॉर जीन की परिकल्पना किसने दी, तो जीन फॉर जीन की परिकल्पना दी थी फ्लोर ने। अगर ओनली जीन होता, केवल जीन की बात करें, तो इसमें आएगा जॉनसन,
ये जो शब्द है जोहानसन ने दिया था पर जीन फॉर जीन की कल्पना दी थी फ्लोर ने, तो यहां पर आंसर आएगा फ्लोर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है डस्ट टेस्ट किस परीक्षण के लिए शुरू हुआ। ये हमने डिस्कस किया ही था जब क्लास चल रही थी हमारा कि ये फसल की किस्म से संबंधित है। जैसे कोई नई वैरायटी जो है रिलीज की जाती है तो उसका पहले जो पुरानी वैरायटी है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, अगर नई वैरायटी उससे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली है, ज्यादा गुणवत्ता वाली है तो ही हम उसको रिलीज करते हैं। तो इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट है डस्ट टेस्ट। डस्ट टेस्ट ये हमने हमारे जो पेपर सॉल्यूशन किया था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जिन बच्चों ने उस वीडियो को देखा था उनको बहुत ही मदद मिली होगी। किस फसल में पर परागण होता है, तो मक्का की जो फसल है इसके अंदर पर परागण होता है। क्यों? क्योंकि मक्का का पौधा उभयलिंगाश्रयी है, नर अलग स्थान पर है मादा अलग स्थान पर है, इसलिए इसमें पर परागण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलें, तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी जो है 1975 से प्रारंभ हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए इस बैंक को स्थापित किया गया था 1975 से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। वही हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है, तो हल्की मिट्टी के अंदर वो फसल उपयुक्त होगी जो मृदा के अंदर उत्पन्न होती है। तो मूंगफली की फलियों का विकास जमीन के अंदर होता है, हल्की मृदा होगी तो इनका विकास अच्छे से होगा, और अगर कॉम्पैक्ट है भारी मृदा है तो फलियों का ढंग से विकास नहीं हो पाएगा, पेग का विकास ढंग से नहीं होगा तो उत्पादन भी अधिक नहीं होगा, इसलिए हल्की मृदा मूंगफली के लिए अच्छी मानी जाती है। अगला, डीएपी में फास्फोरस किस रूप में है, तो डीएपी में फास्फोरस का जो रूप होता है ये होता है फास्फोरिक एसिड। डीएपी एक बहुत ही अच्छा उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन 18% 46% फास्फोरस है, वो जो फास्फोरस है वो फास्फोरिक एसिड के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है। अगर आप परिभाषा ही देखेंगे तो जिस कोशिकाओं में अच्छी तरह से विकसित परिभाषित केंद्रक होता है वो क्या होते हैं, यूकेरियोट्स। यूकेरियोट्स जो है इनके अंदर आप देखेंगे कि उचित परिभाषित केंद्रक पाया जाता है तो ही तो ये यूकेरियोट्स कहलाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें, धान में खेरा रोग जग जाहिर प्रश्न है, ये सभी एग्रीकल्चर एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, धान का खेरा रोग किसके कारण होता है, तो धान का खेरा रोग होता है जिंक की कमी से, इसे आयरन रस्ट भी हम धान में कहते हैं, ये जिंक की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, पत्तों द्वारा बना भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है बीएचयू में, भाई मृदा से जो पोषक तत्व और जल का अवशोषण होता है वो जाइलम ऊपर भेजता है, जबकि पत्तियां जो भोजन बनाती हैं ये फ्लोएम से नीचे की तरफ जड़ों की तरफ और अन्य भागों में पहुंचता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक है, ये भी आप सब जानते हैं कि इथिलीन जो है ये फलों को पकाने में महत्वपूर्ण है। इस तरह से बड़ी आसान पेपर आया था एग्रीकल्चर का, बच्चों ने बहुत अच्छे से प्रश्नों को हल किया है। सुनहरा चावल भी हमने कई बार पढ़ा है, गोल्डन राइस जो है गोल्डन राइस में विटामिन ए की अधिकता होती है, विटामिन ए की अधिकता के लिए ही इसे विकसित किया गया था, विटामिन ए इसमें ज्यादा होता है। आगे प्रश्न, ये अभी कुछ दिन पहले ही पेपर जब सॉल्व किया था हमने पढ़ा था, उत्परिवर्तन कैसा होता है, तो उत्परिवर्तन अप्रभावी और नुकसानदेह होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है और उत्परिवर्तन नुकसानदायक चीज है, फायदेमंद बहुत ही कम है, 99% तो ये नुकसानदायक होता है, तो अप्रभावी तथा नुकसानदेह। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलें, फूल गोभी में भूरापन का लक्षण ब्राउनिंग ऑफ कॉलीफ्लावर किससे होता है, बोरान डिफिशियंसी, बोरान की कमी से होता है, जबकि विप्टेल तो विप्टेल होता है मोलिब्डेनम की कमी से। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये दोनों, जो फूल गोभी में अक्सर पूछे जाते हैं, सब बच्चों को पता है ये बात। टिड्डा किस ऑर्डर में आता है, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था, तो टिड्डा का ऑर्डर क्या है, आर्थोप्टेरा।
टिड्डा का गण कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा गण में टिड्डा आता है। इस तरह से अगला है, एक ग्लूकोज के ऑक्सी श्वसन से सिट्रिक एसिड चक्र के दौरान कितने एटीपी नेट मिलते हैं, कितने एटीपी मिलेंगे साइट्रिक चक्र के दौरान, तो 24। बायोलॉजी का बहुत ही फेमस और कॉमन क्वेश्चन है, 24 एटीपी यहाँ पर नेट प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। जब एक कोशिका हाइड्रोटोनिक विलयन में जाती है तो इसका आकार क्या होगा, तो इसका आकार बढ़ जाएगा। इसका आकार बढ़ क्यों जाएगा, बढ़ने का कारण यह है कि हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है इसका जो कंसंट्रेशन है, ये कोशिका के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन से कम होता है। और आप जानते ही हो कि जो गति होती है पानी की वो कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर होती है। तो बाहर से पानी जब कोशिका में जाएगा तो कोशिका क्या होगी, फूल जाएगी, मतलब इसका आकार बढ़ जाएगा। तो ये प्रश्न भी बहुत आसान है। गाय के दूध का पीलापन, पीलापन जैसी अजावर आपको केरोटीन दिख जाए तो आप क्या लगाओगे, केरोटीन। केरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं, SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, श्री मेथड, मेडागास्कर मेथड, इसका संबंध किससे है, तो धान से इसका संबंध है। धान के पौधे तैयार करना, धान की खेती से इसका संबंध है। श्री CRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये धान से संबंधित है, सब लोग जानते हैं। अगला प्रश्न भी धान है कि संकर धान की बीज दर कितनी है, तो 12 से 15 किलोग्राम या 15 किलोग्राम इसकी बीज दर होती है। 12 से 15 किलोग्राम में भी काम चल जाएगा। ये है धान के प्रश्न जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया है। आगे, निम्न में से प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया के स्वांगीकरण असिमिलेटरी जो पावर होता है उसमें हम बात करते हैं ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जो एटीपी है एंड एनएडीपीएच जो है, ये ऊर्जा युक्त पदार्थ होते हैं जो प्रकाशीय जो अवस्था होती है प्रकाश संश्लेषण की वहां बनते हैं, पर ये डार्क जो रिएक्शन है अप्रकाशीय अभिक्रिया में स्वांगीकरण के काम में आते हैं, सहयोग करते हैं। इसके बाद, पौधों में जिंक की उपलब्धता किस पीएच पर अधिक समस्या हो जाती है, ये भी हमने हमारे जो पेपर सॉल्यूशन थे लास्ट प्रीवियस ईयर के उसमें डिस्कस किया था कि 7 से जैसे ही पीएच ज्यादा होगा जिंक जो होता है ये उपलब्धता घटने लगती है। 7 तक ठीक है, 7 से कम तक ये बढ़िया उपलब्ध होता है, उससे ऊपर जाने पर इसकी उपलब्धता में कमी आने लगती है। अगला प्रश्न, सरसों राई की बुआई का सर्वोत्तम समय क्या है। सरसों राई की बुआई का सर्वोत्तम समय, वैसे तो हम रेंज में अक्टूबर नवंबर बोलते हैं, लेकिन इसे अक्टूबर में बोला जाए तो इसके ऊपर जो माहू एफिड जो है इसका मुख्य कीट जो है उसका प्रकोप कम होता है, इसलिए इसका आंसर अक्टूबर होगा। ये बात हमने पिछले पेपर में डिस्कस की थी कि माहू से एफिड से बचाने के लिए कब हमें राई सरसों की बुआई करना चाहिए, तो आएगा अक्टूबर। अगला, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पीएटी आईसीआर बीएचयू में कई बार आया है, चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल जो है इसके पार्टिकल्स का डायमीटर या साइज कितना है, तो 0.002 mm से कम, 0.002 mm से कम ये है, जबकि ये सिल्ट का साइज है। इस तरह से ये प्रश्न है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, टमाटर की येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलाया जाता है। लीफ कर्ल, इसमें पत्तियां सिकुड़ने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं, ये विषाणु जनित रोग है, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म वायरस है, बट ये जो वायरस है इसका वेक्टर इंसेक्ट कौन है, तो इसका वेक्टर है व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई इसे एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करती है। आगे हम बात करें, बीटल किस आर्डर का कीट है, तो बीटल जो है ये केली कोलियोप्टेरा जो आर्डर है इसका कीट होता है। कठोर इनके शरीर पर कवर होते हैं, काले रंग के कठोर कीट आपने देखे होंगे, उनको हम बीटल कहेंगे। अगला प्रश्न है, टर्गर कोशिका मेंटेनिंग के लिए उत्तरदायी तत्व है। जो टर्जिडिटी होती है कोशिका की, फूलना या हम कहें स्टोमेटा का बंद होना खुलना,
ये जो होता है इसको पोटेशियम निर्धारित करता है, स्टोमेटा नियमन का कार्य पोटेशियम करता है, और यही जो है जो टर्जिडिटी होती है इसके लिए ये तत्व जिम्मेदार माना जाता है। अगला है केंद्रीय एकमार्क प्रयोगशाला, ये जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए एकमार्क निशान होता है, और ये जो एकमार्क होता है इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर में। 1937 से ये प्रारंभ हुआ था एकमार्क। इसमें रेड जो होता है वो नॉनवेज प्रोडक्ट के लिए है और ग्रीन जो है ये वेजिटेरियंस के लिए होता है। कहां पर है तो मुख्यालय इसका नागपुर में है। आगे बढ़ते हैं ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर सभी जानते हैं कि किससे संबंधित है, सब्जी से। फ्लोरिकल्चर फूल से होता है ना। इसके बाद पोमोलॉजी फल से होता है। दाल तो आप जानते हो, सब्जी से संबंधित है ओलेरिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, कोशिका का कौन सा भाग प्रोटीन उत्पादों का संकलन एवं संवहन करता है, कलेक्शन एंड डिस्पेच। कलेक्शन एंड डिस्पेच जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये क्या करेगा, संकलन करेगा और उनका संवहन का कार्य करता है। आगे बढ़े, मवेशी में एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बहुत ही घातक बीमारी मानी जाती है जो पशुओं में होती है। गोवंशियों का बहुत ही खतरनाक रोग है जो जीवाणु जनित रोग माना जाता है। मृत्यु दर बहुत ज्यादा इस रोग में होती है। ये एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट को इसका आंसर मालूम है। निम्नलिखित में से कौन हल्का डिस्क एंगल है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। दो एंगल मैंने बताए थे, टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल झुकाव कोण 15 से 25 डिग्री, और डिस्क एंगल जो है डिस्क का झुकाव ये 42 से 45 डिग्री का होता है। टिल्ट एंगल जो हम देखते हैं, जो झुकाव होता है किसी भी बॉटम का, जैसे ये हल है इससे जो झुकाव है ये टिल्ट एंगल होता है, और डिस्क जो इस तरह से मुड़ी रहती है इसके झुकाव को डिस्क एंगल कहते हैं। ये कुड़ की चौड़ाई के लिए जिम्मेदार होता है, 42 से 45 डिग्री का ये एंगल होता है। आगे देखें, यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। यूरिया के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। यूरिया को जब प्रयोगशाला में बनाते हैं तो इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। हम कहते हैं यूरिया एक अम्ल क्षार है, मोनो एसिटिक बेस, जलीय विलयन उदासीन है, लेकिन मृदा पर लगातार प्रभाव से ये अम्लीयता उत्पन्न करता है, मृदा को अम्लीय बना सकता है। यूरिया की बात हो रही है। आगे बढ़े, हल्दी में पीला रंग किस लिए होता है। कुरकुमा लोंगा नाम ही है इसका बॉटनिकल नेम, और वहीं से आप समझ जाओ कुरकुमीन जो है इसके कारण हल्दी का पीला रंग होता है, जो हमारे को चटक पीला रंग जो हल्दी में नजर आता है वो इसी के कारण है, कुरकुमीन के कारण है। अगला है, इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है। भाई इंटरक्रॉपिंग में हम क्या बात करते हैं, दो या दो से अधिक जो फसलें होती हैं उनको एक साथ एक खेत में हम लगाते हैं, निश्चित पंक्तिबद्ध दूरी पर लगाते हैं, तो उसे कहा जाता है इंटरक्रॉपिंग। सह फसली खेती भी इसे कहा जाता है, अंतरा सस्यन भी इसे कहते हैं। दो या दो से अधिक फसलों की निश्चित पंक्तियों में उपज लेना। इट इज ग्रोइंग अप टू आर मोर क्रॉप्स इन डिफाइंड रो पैटर्न्स, इसी को कहा जाएगा इंटरक्रॉपिंग। आगे बढ़े, तो नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से विकसित हाइब्रिड कौन सा है। आपको याद हो मैंने बताया था RNA, रत्ना नीलम अल्फांजो, RNA, रत्ना नीलम अल्फांजो। नीलम और अल्फांजो के क्रॉस से क्या बना, रत्ना। ये आम की एक हाइब्रिड वैरायटी है। अगला है, मक्का में सफेद कली किसकी कमी से होता है। तो जो धान में खेरा रोग का कारण है जिंक, उसी तरह मक्का और ज्वार में जो सफेद कली का रोग है ये रोग भी किसकी कमी से होता है, ये भी जिंक की कमी से होता है। आप सब ने ये बात पहले से ही पढ़ रखी है, सब जानते हैं किसकी कमी से होता है। आगे बढ़े, पर्ण आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक है। पर्ण आवेदन, यहाँ पर्ण आवेदन से कंफ्यूज नहीं होना है। पर्ण आवेदन मतलब पर्णीय छिड़काव, अंग्रेजी में तो लिखा हुआ भी है, अंग्रेजी में आप जानते हैं फोलिएज
एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन, या हम इसे कहते हैं पर्णीय छिड़काव। पर्णीय छिड़काव के लिए हम उपयोग करते हैं यूरिया। यूरिया जो है ये पर्णीय छिड़काव के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्यों उपयुक्त माना जाता है? कारण इसका यह है कि यूरिया में जो नाइट्रोजन है ये एमाइड रूप में है और अमाइड को पत्तियां सीधे ले लेती हैं, जड़ें अमाइड रूप नहीं लेती हैं, उन्हें नाइट्रेट चाहिए। तो जल्दी अगर असर करना है तो हम यूरिया को घोल बनाकर स्प्रे कर देते हैं पत्तियों पर, इसे कहते हैं पर्ण आवेदन या पर्णीय छिड़काव। तो यूरिया जो है इसके लिए उपयुक्त तो होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? कस्कुटा तना परजीवी बिल्कुल सही है, आर्किड्स एपिफाइट ये भी सही है, चंदन जड़ परजीवी ये भी सही है, नेफ्थिन्स हाइड्रोफाइट्स ये गलत है, ये मेल नहीं खाता है ना। कारण क्या है कि ये जो नेफ्थिन्स हैं ये क्या होते हैं, तो ये कीट भक्षी होते हैं। कीट भक्षी, कीड़ों को खाने वाले ये पौधे होते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स नहीं होते, तो ये सही मेल यहाँ पर नहीं खा रहा है। इसी तरह से आगे चले, मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जैसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को जाना जाता है। चराना, जैसे चराना आ जाए, पशुओं को चराने की बात आ जाए, तो रेंचिंग, रेंचिंग मतलब चारागाह, पशुओं को चराने के लिए जो स्थान होते हैं उसे हम रेंच बोलते हैं, चराने वाले को रेंचर कहेंगे, और इस प्रैक्टिस को, प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, तो रेंचिंग कहा जाएगा। तो मांस या ऊन उत्पादन के लिए हम जो चराने के लिए काम में लाते हैं जिस स्थान को, उसे हम रेंचिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वाइट रस्ट बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। गेहूं में बहुत सारी रस्ट के नाम सुने होंगे, काली, भूरी, धारीदार, लेकिन सफेद रस्ट जो होती है, व्हाइट रस्ट जो होती है, ये सरसों का प्रमुख रोग है। व्हाइट रस्ट किससे रिलेटेड है, तो सरसों में होने वाला महत्वपूर्ण रोग है। अगला आता है, वानस्पतिक रूप से अनानास का फल क्या है? तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये होता है सोरोसिस। जो कंपोजिट फ्रूट होते हैं, कंपोजिट जो फल होते हैं, उसके दो प्रकार है, सोरोसिस और साइकोनस। तो सोरोसिस में हमने कहा अनानास आता है, साइकोनस में जैसे अंजीर आता है, बाकी पोम बेरी और ये सब साधारण फलों के प्रकार हैं। आगे बढ़े, तो भैंस का औसत गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है, एवरेज गेस्टेशन पीरियड? तो गेस्टेशन पीरियड जो है भैंस का, ये भी बहुत ही पशुपालन का फेमस क्वेश्चन है, 310 दिन, 310 दिन का होता है भैंस का गेस्टेशन पीरियड। आखिरी प्रश्न की तरफ आते हैं, फोटो रेस्पिरेशन किसके द्वारा रुकता है? तो सीएमयू एंड डीसीएमयू जो है, ये जो पदार्थ है, ये जो रसायन है, इनके कारण हम देखते हैं कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है ये अवरुद्ध हो जाता है, ये उसको इनहिबिट करते हैं। तो ये पेपर आया था बीएचयू 2020 का पेपर, एग्रीकल्चर जो था बहुत ही आसान आया था। इसमें से अधिकतर जो प्रश्न हैं, जो प्रीवियस ईयर में मैंने पेपर सॉल्व करवाए थे उसके साथ जो डिटेल दी थी उसमें था। छात्रों के लगातार फोन आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, रिजल्ट का बस इंतजार बचा है। उन छात्रों को जिन्होंने इस पेपर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, एमजी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको सारी परीक्षाएं जो हैं उनकी जानकारी मिल सके, उनके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको हम हल कर सके और पेपर का सॉल्यूशन आप तक दे सके। बहुत ही जल्द मैं आईसीआर का जो लास्ट ईयर का पेपर था उसका सॉल्यूशन लेकर भी आपके सामने हाजिर हो रहा हूं, क्योंकि 16 सितंबर से आईसीआर की हमारी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, उसके लिए भी, उसकी तैयारी के लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।